माजी, ये आंधी और तूफान ने अटे ही रोक लो। जो आ घर में घुस गई तो सब कुछ तहस नहस हो जावेगो। खबरदार जो आगे बढ़ी है तो, जिन पगासू आई है उन पगासू पाछी लौट जा। या दुर्गा देवी की हवेली है, तेरे बाप की झोपड़ी को नहीं समझी। देख लियो मेरी माँ को रूप, मैं तो कह रही हूँ आप पाछा चाला। ओहो, थे मेरे और सासू जी के बीच में मत ना बोलिया करो। यो माँ लोगा को आपस को मामलो है। तेरो घमंडी बाप तो छाती ठोक कर के गयो थो कि मैं मेरी बेटी ने बी दिशा में भी विदा नहीं करूंगो, जी दिशा में था लोगा की हवेली है। है? या बात तुम्हारा पिताजी कही सासू जी, मैं नहीं। मैं तो थाके बेटो से ब्याह रचा कर ई घर की कुलवधु बनकर आई हूँ। कुन सी कुलवधु? कुन को बेटो? मेरो बेटो तो बी दिन ही मर गयो, जी दिन बोया हवेली छोड़कर चालियो गयो। सासू जी, शुभ बोलनो सीखो। मैं यहाँ नहीं चाहूँ कि कोई मेरे सुहाग ने गाली देवे। खैर छोड़ो सासू जी, ई ग्रह लक्ष्मी ने गृह प्रवेश के लिए नहीं कहोगा? प्रवेश? जी डेली में पग रखियो तो टांगा तोड़ दूंगी। माफ कर जो सासू जी, तोड़नो ही है तो आपके गरुड़ ने तोड़ो, आपके अहम ने तोड़ो। सासू जी, आपको यो आशीर्वाद भी मारे सिर आख्या पर है। आशीर्वाद? तने तो मैं श्राप भी कोनी दू कुलच्छनी। जे मेरी गलती होवे तो मने 100 जूता मार लियो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बिना गलती के कोई मेरे पर हाथ उठावे गो तो भोमले। अरे मारी कीगली के होयो रे भोमली। हाँ मन्ने ना। हाँ मन्ने ना। बहुत जोरा की भूख लग रही है। हाँ भूख लगी है। भूख तो तने रोज लगे है, भूख लगी है। माने बहुत जोरा लग रही है। भूख तो तने लगी है, बंडी के लिए रोटी चाय और रोटी के लिए पिज्जा चाय, और पिज्जा तो आती को नहीं, आप पाठेरिया कड़कारा ले रे सुकड़िया। हेलो, कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ, 10 रुपया का सिक्का। आहा, ले तो 5 सेंग, संभाल कर रख ले। मुझे आ गया दूसरा सिक्का। देखियो सी ले देखियो डो है। अरे आज तो तुम्हें बहुत सवल लगे रे। 30 सिक्का मतलब 30 रुपया। आज ना तू मेरो देखियो सी। चुप साची, एक बार ना अमिताभ बच्चन मेरा देखिया तभी की जंजीर फिल्म हिट होगी। तेरो देखे भी साले की तकदीर ही फूट गया, और बिना जूता के सिवाय क्यों को नहीं मिले। चुप, मर जाना कठे का। बोमली, मैं साची बोलू, आज सुबह सुबह तू मेरो देखियो सी। चुप खो तूफान सिंह, अब आ रुपया ने संभाल कर रहा। समझ गो ना। अब आपने कने 30 रुपया हो गया है। अब आप कोई बढ़िया से ढाबे में चाल कर ई गीगली रानी की पेट पूजा करा सा। चल रे।
बोलो आंटी खोलो। हाँ, खाने में क्या क्या है? अजी खाने में सो क्यों है? मोटी मोटी भिंडी, छोटी छोटी टिंडी, टमाटर मटर, लंबे तगड़े बैंगन को भरतो, बाजरे की रोटी। बोल तू के खावेगी मोटी? ईडी काडिया, मोटी होवेगी तेरी माँ। मेरा नाम तो गीगली है। भोमली, मैं तो तंदूरी मुर्गी खाऊंगी। अरे राम 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 राम, धर्म बस तन्ने होवेगो कष्ट, यो ढाबो शुद्ध शाकाहारी है, समझी? अच्छा ठीक है ठीक है, 8 प्लेट करमा गरम मिर्ची वड़ा लेकर और सुन, 8 प्लेट गरमा गरम कोफ्ता भी ले रहा है। और सुन, 8 प्लेट कचौरी भी। अरे करम ठोको, कचौरी मिर्ची बड़ा कोफ्ता के खाने के खातर तारी गोजी में पीसा है के? अरे शक्ति कपूर की औलाद, ज्यादा बिलियन गिरी करी तो थोपड़े पर इतनी थप्पड़ पड़ेगी कि चौक तो हवा मेल पड़ जाएगा। तेरे ये ढाबों में एक ही झटके में खरीद सकूं, समझो? के नाम है मेरा बोली। 8 प्लेट मिर्ची बड़ा, 8 प्लेट कोफ्ता, 8 प्लेट कचौरी, इबा ले। भूख लागी रे मने, भूख लागी। अरे बाप रे, मजा आ गया। अरे चिमगादड़ की औलाद। हाँ जी। कितना पैसा होया? 29 रुपया 90 पैसा। 29 रुपया 90 पैसा। हाँ। और 10 पैसा तेरी बख्शीश, तू भी के याद रख। अरे तूफान सिंह। हाँ बोमली। आने दे दे 10 पैसा। हाँ। बोमली का दिल बहुत बड़ा है। अभी दे। बोमली के होयो? मेरी जेब। क्यों जेब कट गई? 1 सेकंड में थे मेरो होटल खरीदने वाला था, थे लोग मन ने बहुत चूनो लगाए हो, अब जेल की हवा खाओगा, जदी थाने बैरो पटेगो, चलो। चुप, हराम की खानी, जेब काटनी, दादागिरी, रास्ता पर धमाल करनी, रोज को लफड़े थारो, हौलदार, असगड़ा ने बंद कर दो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बंद कर दो। पर आज सब लोगों की मजबूरी, हर दुख भरी व्याता कथा सुनोगा तो आपको काल जो कापन लाग जावेगो, नैना सुहासो टपकन लाग जावेगा, टप टप टप। इन्हें देखो, आतंकवादी से सताएड़ो एक को पूरो परिवार शहीद होगा। ये बेचारे केकली ने देखो, 7 बार की सगाई टूट चुकी है, बेचारी दुख से भैंस जैसी मोटी हो गई है। जान दो, सगड़ा ने बंद कर दो, 2-4 दिन रुकी सुखी तो मिल जाएगी, क्योंकि इगली हो भोमली। ठीक है अब की बार तो छोड़ दिया हूँ, दोबारा गलती करी तो एक ने भी नहीं छोड़ूंगा। धनदर साहब बहुत धन्यवाद, अब कितना बहुत बहुत धन्यवाद थानेदार साहब, चलो। साहब आपके घर सुतार आयो है। माँ को टेलीग्राम? भिंगनी किशन रामू कठा मर गया सब लोग। के होयो? फोनो के है माँ जी, पाजी फूलदान तोड़ दियो। तू कर तोड़ कर दियो नुकसान, माफ कर दो माँ जी। तो बी की सजा भी मिलनी चाहिए। काम चोर कोई काम संभाल के करेगा। रेंडो रेंडो माँ जी रेंडो, आपके कोमल हाथा में मोच आ जावेगी, इसा छोटा मोटा काम तो धर्मदास के भरोसे छोड़ दिया करो। माफ कर दो मन्ने, मांग भी रही होती इसी चीज जो धर्मदास के खाते में ही नहीं है। जान दो कवर सा, एक ही पगार सुकाट लेवांगा। माँ जी एक बरस तक एड़ी रगड़ेगो तो भी फूलदान की भरपाई नहीं हो पावेगी, आज तो मैं तने छोड़ रही हूँ, आइंदा से ध्यान रख जे।
भाग अटे सू आजी आपके मन को दरवाजो कितो बड़ो है नौकर की पगार बंद कर दी पण बिने नौकरी सु नहीं निकालियो आप जिसी सास पाकर तो मैं धन्य हो गयो धन्य तो मैं होगी कवरसा कि आप जिसा जवाई मिलिया नहीं नहीं माँ जी जवाई नहीं घर जवाई क्यों बेटो भी तो कह सकूं हूँ सगा बेटा सु भी ज्यादा चिंता है था नहीं घर की बाप के घर सु गेहूं की बोरी आई है पुन्न कमाने जा रही है बापड़ी पुन्न कमावेगी तो खुद के खावेगी टुकड़ा गिरने को इतरो ही शौक है तो जाकर खसम के आगे गिर समझी जो निकम बैठकर मुफ्त की खावे है नेता लोगा ने तो सिर्फ सिक्का सु तोले है आपने तो बे सोना और चांदी सु तोलनो चावे है बाजी मैं चाहूं कि आप दूध मलाई खाकर इन चार दिना में और 10-20 किलो वजन बढ़ा लो माँ लियो माँ जी आपकी लॉटरी को टिकट आ गयो जी तो रे काय बात है माँ तार क्यों दियो बड़ी खुशी की बात है मैं थारी सगाई पक्की कर दी है बहुत बड़ो घरानो है बिनणी इत्रो दाई जो लावेगी कि रुपया पिसा सोना चांदी गहना गाठा सु आपनो घर भर जावेगी ये घर के लिए या कितनी शान की बात है जितो बड़ो हीरो उतनी ऊंची कीमत हीरो कितो ही बड़ो क्यों ना हुए माँ है तो बैजान पत्थर को टुकड़ो पण तेरो ये बेटो पत्थर नहीं इंसान है के मतलब दहेज कानूनी अपराध है माँ जी दिन सु पुलिस की वर्दी पहरी ही बीत दिन मैं सौगन खाई कि मैं कानून की रक्षा करूंगो जे कानून को रक्षा की भक्षक बन जावेगो तो देश को क्यों होवेगो सूरज कोई की हिम्मत नहीं कि मेरे सामने जबान खोल सके पण या तेरी पहली गलती है इसलिए माफ करू हूं ना सुनने की मेरी आदत नहीं भाग्य की रेखा बदल सके सूरज री दिशा बदल सके पण दुर्गा देवी को फैसलो कोनी बदल सके फैसलो तो बदलना पड़ेगा माँ के तू यो चावे है कि एक और बहु घर में आकर भाभी जी सो नरक भोगे थाने तो बस तिजोरी सजाने के लिए सोने चांदी री मूर्ति चाहे पण मने भाभी जी से संस्कारी और हिम्मत वाली बहु चाहे जय नरक ने स्वर्ग बना सके आज मेरो ही खून परायो बन गयो जिन्हें मैं दूध पिलायो वही दूध आज जेर बन गयो राम 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 माजी धर्म का दिन तो गया कठे श्रवण कुमार जिसो बैठो माँ बाप को बोझ कांधे पर उठाकर तीर्थ कराया और कठे यो बैठो जो आपकी खुशी ने कांधों भी नहीं दे सके मैं भी देखूंगा साला जी इसी किसी के संस्कारी और हिम्मत वाली लिए अवगत है हे बाबा दे बाबा हे बाबा दे बाबा एक लाचार नैना सुबेकार दुखियारी कुआरी कन्या ने भगवान इत्रो दे कि तू भी भिकारी बन जावे मेरा मतलब है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जावे हे बाबा दे बाबा बिने बोलन दे बात छो बोल रही है बोल अरे टूरिया 5 का नोट हथेली पर मेले गो तो तेरे 3 फीता लाग जावेगी मतलब तू थानेदार बन जावेगो टूरिया एके बोली बोली अरे मेरी बोली बंदूक की गोली अरे मेरी के मजाल कि मैं आपके सामने कुछ बोलूं मैं तो बोली कि कुछ दान पुण्य कर दो हे बाबा ये जवानो आ गयो अरे भिखारी कितना अमीर बन गया भिखारियों का क्या होएगो ये हुआ दे ये ले अरे सत्यानाश जावे तेरो तेरी बीच बाजार में वर्दी उतर जावे अरे मेले भी तो के पावली पावली मने बनावे बावड़ो इको मतलब है तू अंधी नहीं है आज के वार है अरे पहले वार तो तू मेरे ऊपर करियो है आज सोमवार है सोमवार है अरे पकड़ी ने पकड़ी को मतलब मैं आंधी को नहीं गूंगी हूँ और भगवान नहीं करे कि कोई छोरी आंधी बन जावे कि तो कोई बीबी को हाथ पकड़ कर ले जावे तू गूंगी है तो बोल क्या रही है मुंडे सु अरे जा रे क्यों बोल
सोनी की टाइम धंधो खराब करे है। अरे जा रहे हाथ दूर रख, पुलिस रिवादी है। के करेगो? नहीं नहीं बंद करेगो? कहीं नहीं सोली पर चढ़ावेगो? नहीं नहीं बात क्या है, ये पराई औरत मैंने हाथ लगावे है, तुम्हारी जोरू मैंने झाड़ू से कूटे है। अरे जब घर वाली से इतना डरे है तब मेरे गले क्यों पड़ रहे है? मैं थारे गले पड़ रही हूँ कि तू हमारे गले पड़ रही है? अरे चोरू का गला, चलो रे ला रे बाबा। अरे जोरू सत्यानाश हो जावे थारो। अरे जोरू ही तो है जो छछुंदर की जान गले में अटकी है। अरे राखू तो मरू और छोड़ू तो रंडुओ हो जाऊं। जीजा जी आओ, साला जी आओ। मने मने थोड़ी सी दे दो जीजा जी। साला जी यही अफीम खाता रिया तो एक दिन राम नाम सत हो जाएगी। यह याद तो आपकी घिरुड़ी जीजा जी। मैं तो कहूंगा कि कुएं में पड़ जाओ तो ते कुएं में पड़ जाओगा। अय्या मत बोलो जीजा जी, मैं मर जाऊंगा जीजा जी, मैं थारे पगा पड़ूं जीजा जी, मेरे पे दया करो जीजा जी। ई जहर के मैं तो हाथ लगाऊं कोनी। मत तरसो जीजा जी, मैं थारी गाय हूं, फेंक दो। धन्यवाद जीजा जी, धन्यवाद। वारे नशे का गुलाम वा, लानत है ऐसे जीने पर। हाँ पर जीनो तो पड़ेगो ही तने, जठे तई ये पूरी जमीन और जायदाद मेरे नाम पर नहीं हो जावे। हे प्रभु अब तो दया करो, तारे चरणा में आंसू और मोती अर्पण करता करता तो ये आख्या को खजानो भी खाली हो गयो। द्रौपदी को मान राखण खातर थे ये चीर बड़ा हो, मैं पति के श्राप से पत्थर बन या हिल्या कोनी। अरे मैं तो मारे पति के जीवन की भीख मांगने वाली तुच्छ सावित्री हूँ, जिथे भी मारी फरियाद नहीं सुनोगा तो और कौन सुनेगो। तू चुप रहेगी कि नहीं? कमाल है सोमनी छोरी बोले तो रास्ता चलता लोग सुन कर रुक जावे और थे बोलो के चुप हो जा। इंस्पेक्टर साहब छोरी की आवाज तो रसगुल्ला से भी मीठी होवे। पर मने तेरी आवाज मिर्ची से भी तीखी लागे, सीधी तरिया चुप हो जा। लियो होगी मने किसो चुनाव लड़नो है जो भाषण देती फिरो। बेटा सूरज मास्टर जी आप कहिया पधारिया? इस शैतान बेटी की जमानत देने आयो हूँ। या और आपकी बेटी? हाँ सूरज यह शैतान जरूर है पर मन की बहुत अच्छी है। यही बात तो मैं समझा रही हूँ क्यों इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब होमली जिसे नेक दिल शरीफ छोरी दियो लेकर ढूंढोगा ना तो भी नहीं मिलेगी। हाँ छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब आपकी घड़ी गलती होगी। कुछ 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 पापरे पापूजी इसी ही हिम्मत वाले लड़के री मने तलाशी या माँ के क्रोध को सामना कर सकेगी और मेरे घर ने स्वर्ग बढ़ा सकेगी। अरे के बात है आज आपके चेहरे का रंग इतरो उतर क्यों गयो? जब उम्मीद पर पानी फिर जावे तो रंग उतर जावे। मैं समझी कोनी। अब तने के समझाओ, जो तू भी हवेली की रानी बन जाती तो बिना मेहनत के सारी दौलत मेरे मनसूबे की पेटी में बंद हो जाती। पण भी नालायक सूरज की ना मेरी उम्मीद की खाली तिजोरी पर ताड़ो जड़ दियो। बोलो धर्मदास मने क्यों याद कियो? हाँ कालिया कालिया नहीं काली दादा बोलो बोलो किको खून करना है? नहीं नहीं खून नहीं करना है, सिर्फ हाथ पग तोड़ना है और बेबी मेरे साले जी का। पर हाथ पग भी बाका हिस्सा तोड़ो कि जिंदगी भर शादी के लायक नहीं रहे। क्या प्यार होगी गीगली गीगली रानी आए?
देखियो कि बोमली मैं कत्तो प्रेम करूं पर यह भैंस मन ने नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन जी से ऊंट का सपना देखा हूं। और नहीं तो के तेरे जी सा मच्छर का सपना देखूं। बोमली कीगली पलंग पर सोवे तो तकियो जी सो लागे, गोदी में बैठ जावे तो टावर जी सो लागे। और मेरे बारे में के ख्याल है गीगली, तेरे प्यार में ताता थैया करता करता तो मारी टांगा दुखन लागी। हाय, जब प्यार में टांगा दुखन लागी तो ब्याह पीछे के दुखेगो। चल हट। और मैं गिगी रानी सर्व शुद्ध शाकाहारी ब्रह्मचारी हूँ। बोमले आईया बोमले वाकी अरे बोरे तातो भी आजिया अपने आपने टार समझे हाँ। अरे यो तो गयो गीगली। तो मैं हूँ ना। चुप। तो मैं अरे हूँ ना। आए ओ बनड़ी एक और बनड़ा पांच। अरे अरे बोमली रुक जा, अरे मैं भी आ रही हूँ रे। नमस्ते मास्टर जी। आओ आओ बेटा सूरज। मास्टर जी मैं भोमली से ब्याह करना चाहूं हूं। बेटा सूरज मन्ने तो कोई एतराज को नहीं, पर थारा में और मारा में जमीन और आसमान रो फर्क है। कठे थे राजा और कठे में रंग, यो फर्क तो दौलत को है मास्टर जी। मैंने भोमली जिसी लड़की री तलाशी इलिए को हाथ मांगने आया हूं। मारे लिए इनसु ज्यादा खुशी की बात के होवेगी के भोमली के लिए थारे जिसो वर मिलियो। मैं आज ही थारी माता जी से बात करूंगा। मास्टर जी जिंदगी भर मास्टरी करके भी आप में इतनी समझ भी को नहीं आई कि छोटे और बड़े को फर्क समझ सको। मैं समझो को नहीं। आप के समझ कर आपकी बेटी को रिश्तो मेरे सूरज के लिए ले आया हो। शादी और ब्याह बराबरी वाला सी हुआ करे। कठे मैं इतनी बड़ी जागीर की मालकिन और कठे 1500 रुपया कमाने वालों मामूली स्कूल मास्टर। आज तक तो मैं समझ तो हो कि रिश्ता नाता तो प्रेम और अपने पन से बने है, पर आज मने समझ में आ गयो कि सिक्का की बरसात के बिना रिश्ता का पौधा कौन उगे। बड़ी अजीब सी बात है, बेटी बड़े घर का बेटा ने फसाने की विद्या जाने, पर बाप बड़े घर से रिश्तों जोड़ने को तौर तरीकों भी नहीं जाने। मास्टर जी आप जिसा लोगा ने तो बेटी पैदा ही नहीं करनी चाहे। आप मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहा हो। मास्टर जी बेइज्जती तो बीकी होवे है जी की कोई इज्जत होवे। आप हद से आगे बढ़ रहे हो।
अमीर लोगा की कोई हद नहीं होए। जे अगर मन ने मालूम हुए तो के आप लोग धन दौलत रा नशा में चूर अपने आप ने भगवान समझो हो तो मैं भूल सु नहीं आतो। आप री हवेली रा ऊंचा गुंबज सु मारे स्वाभिमान ने खुददारी को कजरा भी छोटो नहीं है। आप सु रिश्ता करवारी अब मैं मारी बेटी ने बी दिशा में विदा भी नहीं करूंगो जी दिशा में आपरी हवेली पड़े है। माजी ये छोटा छोटा लोग कौन सी चक्की को आटो खाकर मोटी मोटी बातें करे। हो गयो ना काल जो ठंडो करवा दी ना मेरी बापूजी की बेइज्जती। होमली मेरी बात तो सुन। तेरी दौलत सुबी प्यारी मने मेरे बापूजी की इज्जत है। तू ही मेरे हाथ मांगने आया हो मैं तेरे गले को नहीं पड़ी ही। हाँ मैं गरीब जरूर हूँ पर स्वाभिमान अमीरा सुबी ज्यादा रखा। होमली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे रेंट दे तेरे शर्मिंदा होने से मेरे बापूजी की गरुड़ी इज्जत पाछी को नहीं आ जाएगी। भोमली तू मेरी माँ को स्वभाव को नहीं जाने और फिर ब्याह तो मने करना है। आज ही तेरो मेरो ब्याह होवेगो जो मेरो फैसला है। सूरज बोमली तेरा ब्याह तो हो गयो पर राम जाने मेरा ब्याह कद होएगो। मेरा अमिताभ बच्चन क्योंकि सूरज ब्याह कर लियो वो भी माजी की इच्छा के खिलाफ। अब तेरो सातवो चंद्रमा चमकड़ लागियो है। सूरज अब ब्याह करके माजी के क्रोध की आग में चढ़कर भस्म हो जावेगो और धर्मदास के धर्म की जड़ ई घर में और भी मजबूत हो जावेगी। के होयो कवर जी कौन सी बात कर रिया हो। तकदीर से माजी तकदीर फूट गई नाक कट गई। के होयो लियो खुद ही देख लो या तो सूरज की तस्वीर है। हाँ। बड़ा चोरी कौन है। चोरी नहीं ये घर की बहू है। बहू। हाँ माजी आपके सुपड़ा के महल ने सूरज खुद की शादी की सुरंग लगाकर भड़ाको बुला दियो। ये घर के कुलदीपक ने ये घर ने आग लगा दी माजी। हाँ। ये नहीं हो सके माजी होनी ने कुंड टाल सके गांव भर में मिठाइयां बांटो पूरे स्वागत की तैयारियां करो। हाँ। आरती को थाल सजाओ। आरती जठेताई दुर्गा देवी के शरीर में प्राण है बहुत छोरी घर की डेली पर पग भी नहीं रख सके समझा कवर जी। दादी सा मने स्कूल की फीस भरनी है। आग लागे थारी फीस ने कड़मुई नहीं तो मने स्कूल से कार्ड देवेगा। कार्ड देवेगा तो पापा कटेगो। इन्हें क्यों मारी आओ माजी तो इनका चरण दाबू खबे पर बिठा कर नाचू। अरे पढ़ाने को इतना ही शौक है तो बेटो जंटी बेटो दाई जो देती टेम तो तेरे बाप की छाती फट गई। अब था लोगा ने रोटियां भी खा लू और पढ़ाई को खर्चो भी उठाऊ। राम 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 बड़ो बेटो तो अण कमाओ है और बीननी ने तो शर्म ही कोनी। जो शर्म होती है तो पानी में डूब मरती है। अरे आपके वास्ते तो कुआ बावड़ी में भी जगह को नहीं माँ। मत रो बेटी। माँ अबे आप आर्थिक को नहीं रेवांगा। नहीं बेटी बहू तो सासरे में आया पछे आर्थी पर ही जया करे है। तो आप आर्थी पर ही चाला। नहीं मेरी लाडो अय्या मती बोल मेरी लाडो अय्या मती बोल। हाँ?
मैं भूमली ने दे कोई स्वर्ग परी ने काकोसा काकोसा मुन्नी तू या मारी काकी है नी हाँ मुन्नी मैं तेरी काकी हूँ मुन्नी तू अठे क्या बात है अब मैं घर छोड़ना आई हूँ अब मैं अठे ही रहूंगी हाँ हाँ मुन्नी तू अठे ही रहेगी पन के होयो दादी माँ मन्ने और माँ ने बहुत मारे हैं बहुत दुख देवे रोटी भी कोनी देवे मैं भूखी हूँ गाँव चलो पिताजी बहुत बीमार है सूरज ए लोग नर भोगी हर आपा अठे सुखी जिंदगी जीवा हाँ माँ बहुत जिद्दी है भूमली बीके सामने कोई की नहीं चाले अपना लोगा के सागे इसो बर्ताव मैं फैसलो करियो है कि मैं सासरी जाऊंगी सासरे में अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा भूमली अपमान अपमान तो एक दिन मेरे पिताजी को भी होयो हो पर जब मेरो भी घर से कोई रिश्तो नहीं हो पर अब मैं भी घर की बहू हूं और अगर सासू जी मेरा अपमान भी कर देवेगा तो भी इन्हें आशीर्वाद समझकर सहन कर लूंगी और भी अपमान ने सम्मान में बदल दूंगी सास बहू के रिश्ते ने बदल कर माँ बेटी को रिश्तों कायम कर दूंगी माँ जी मुन्नी हालताई को न्याय नहीं जाने कटेगी तो इमें छाती पीटने की के बात है भगवान करे मर जावे माँ जी अच्छो ही है दान दहेज को खर्चो बच जावेगा माँ जी माँ जी माँ माँ मेरी लाडो तो कटे गई है देख माँ कौन आए हुए सूरज बिनड़ी हाँ रुक जा सूरज ठहर बिनड़ी मैं आरती को थाल ले रहा हूँ देख लियो माँ जी अब बड़ी छोटी की आरती उतारेगी शर्म कोनी आवे माँ जी ये आंधी और तूफान ने अटे ही रोक लो जो आ घर में घुसगी तो सब कुछ तहस नहस हो जावेगो खबरदार जो आगे बढ़ी है तो जिन पगासू आई है उन पगासू पाछी लौट जा या दुर्गा देवी की हवेली है तेरे बाप की झोपड़ी को नहीं समझी देख लियो मेरी माँ को रूप मैं तो कह रही हूँ आप पाछा चाला ओहो थे मेरे और सासू जी के बीच में मत ना बोलिया करो यो माँ लोगा को आपस को मामलो है तेरो घमंडी बाप तो छाती ठोक कर के गयो थो कि मैं मेरी बेटी ने बी दिशा में भी विदा नहीं करूंगो जी दिशा में था लोगा की हवेली है फिर यह बात तुम्हारा पिताजी कही सासू जी मैं नहीं मैं तो थाके बेटो से ब्याह रचा कर ई घर की कुलवधू बनकर आई हूँ कौन सी कुलवधू कौन को बेटो मेरो बेटो तो बी दिन ही मर गयो जी दिन बोया हवेली छोड़कर चालियो गयो सासू जी शुभ बोलनो सीखो मैं यहाँ नहीं चाहूँ कि कोई मेरे सुहाग ने गाली देवे खैर छोड़ो सासू जी ई ग्रह लक्ष्मी ने गृह प्रवेश के लिए नहीं कहूगा प्रवेश जी डेली में पग रखियो तो टांगा तोड़ दूंगी माफ कर जो सासू जी तोड़नो ही है तो आपके गरूर ने तोड़ो आपके अहम ने तोड़ो सासू जी आपको यो आशीर्वाद भी मारे सिर आख्या पर है आशीर्वाद तने तो मैं श्राप भी कोनी दू कुलच्छनी जे मेरी गलती होवे तो मने 100 जूता मार लियो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी बिना गलती के कोई मेरे पर हाथ उठावे गो तो भोमली देखियो घड़ी भर में बात छोरी सबको पानी उतार के रख दियो बखिया उधेर दिया सबकी उम्मीदा का मन ने लागे है आपा नहीं ये घर से बाहर निकलवा देगी घर
जी को घरी घर की मालकण के मन में है, बिने निकालनो भी छोरी के बस की बात कोनी। चिंता मणि में माजी की आत्मा हूँ, चठे सुदी माजी जीवे है, यो धर्मदास कदी बेघर को नहीं हो सके। पर आज भी के डर सो माँ तो हथियार डाल दिया। डर आंधी पहाड़ पर जमेड़ी धूल ने तो उड़ा सके, पर पहाड़ ने उखाड़ को नहीं सके। जो छोटा मोटा हिलोरा सु माजी डरता तो यह हवेली कदी की उड़ जाती। कुएं में रहने वाली मेंढकी ने जुकाम को नहीं हो सके, इलिए डर ने तो तू मन से काड़ी दे। मेरो नाव धर्मदास जरूर है, पण कर्म से मैं बहुत ही घटियार पापी आदमी हूं। भूमली जी, तेरी अच्छा या और हिम्मत देकर इस शादी को फैसला करियो। आपको सपनो पूरो होवे को मैं सास की नफरत ने ममता में बदल दूंगी, यो मेरो कॉल है भूमली। घर में आई हूं। बीनी, मैं मरी कोनी जीव हूं। तू के समझी कि तेरो भिकमंगो बाप मने धोखो दियो तो कि तेरे भी धोखे में आ जाऊंगी। अरे खसम के सागे सोने को इत्तो ही चाव है तो तेरे बाप ने संदेशो भेज कि दाईजा का बाकी 50,000 रुपया को बोरो भेज दे। सब याद है समनन जी, कुछ नहीं भूलियो। कारोबार के घाटा सू मारी कमर टूट गई। जी दिन भी पीसा आवेगा मैं सबसे पहला आपने सूद समेत खुद देवन ने आऊंगो। रेंड दो यह बात सुनता सुनता तो बरस बीत गा। अब किसी लॉटरी लग जावेगी जो पिसा दे जावोगा। पिसा देने लायक हो जाओ भी दिन आकर बेटी ने गाजे बाजे के सागे ले जाजो। या मत करो समझन जी, इतना कठोर मत बनो, मैं आपके पगा पोड़ो। बापू बापू, आज ताई थे थारी ही बेटी के खातिर घड़ा दुख झेल लिया। आज था कि यह बेटी सासू हाथ जोड़ने बिनती करे कि ते वने भूल जाओ बापू। आज सुथे यो ही समझ लीजो कि था कि यह लाड़न मारगी मारगी बापू मारगी। तो ही दुनिया में कोई नहीं। अरे 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 ए कीमती मोती ने अया मत लुटाओ भाभी जी, धरती पर पड़ेगा तो धरती फाट जावेगी। मैं ही आँखियाँ में खुशी और मुखड़े पर हंसी देखनो चाहूँ। अब जुलम के सूरज ने अस्त होनो पड़ेगो। आपके एक एक आंसुओं को हिसाब लूंगी। आज के बाद जो भी जुल्मी को हाथ आपके ऊपर उठेगो मैं भी हाथ ने तोड़ दूंगी। सुनो जी मारा भरतार, लारे सो आवाज देकर सुकून खराब कर दियो। बोल के बात है। है ये दंडो भूल गया, चोराने मारने काम आवेला। दंडो दिमाग हो गयो ठंडो, बिना हथियार के फरन पे जा रहे हो धरती धकेल सिंह। थैंक यू। देखो जी हा? कोई पराई छुरी ने लेन मारी तो जानो मैं के करूंगी। जानो हूँ झाड़ू सो मार मार के मन ने ढीलो कर देवेगी। अब जा रही हूँ जल्दी आ जाओ, शीरा बना कर रखूंगी। प्रभु सास तो माँ समान होवे है और माँ को स्थान तो थासु भी ऊंचो होया करे है। जे माँ को अपमान होवे को तो आपने भी चोखो नहीं लागे को, पर मैं के करूं। ये मंदिर समान घर ने बचावन के वास्ते जे मेरे से कोई भी भूल हो जावे तो मैं आपसे माफी चाहूं। मैं जा रही हूँ माँ। मैं बुलाया तो नहीं था, और जा रही है तो बीसी को त्रिने भी सागे ले जा, नहीं तो धक्का मार कर बार काट दूंगी। बाप ने अपने स्वास सासू जी वाह। मेरी तारीफ कर रहे हो? करोगा ही भोमली है तारीफ के लायक, जितनी करोगा उतनी ही कम है। चलो मैं आपके बेटा ने छोड़कर आऊं हूं सासू जी। चलो माँ जी,
घोर कलयुग में के रामराज पाछो आ गयो है के शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीने लग गया। क्यों था लोगारी इतनी हिम्मत कि महा लोगों के साथ बैठकर जी मोगा? नहीं माता जी, नहीं, कलयुग की समाधि पर सतयुग के सत्य की बुनियाद तो पड़ सके है, पर कलयुग के कुकसु सतयुग को जन्म का दे नहीं हो सके। चलो जाओ ठेसु, रुक जाओ। अच्छा तो यो सब तेरो पढ़ायोड़ो पाठ है? ए कोई पराया आदमी तो कोनी माजी, आपको ही खून है। बिनड़ी देख लियो माजी, आजकल की बिनड़िया सास को पानी तो एक मिनट में उतार देवे है, लिहाज नाम की कोई चीज ही कोनी। लिहाज मनने मत सिखाओ नंदोई जी, जी घर में आपा के सागे पराया जिसो बर्ताव होवे लिहाज तो बाने सीखनी चाहे। क्यों नंदोई जी? तो तू अठे मने नसीहत और लिहाज सिखाने आई है? बाता सु तो यू ही लगे माजी, आंधो आदमी कांच के सामने खड़े होकर कहवे कि मेरो मुंडो को नहीं दिखे तो ये मैं कांच को के दोष है। क्यों नंदोई जी? दोष तो तेरो है जो अठे बिठाया, बाकी यौ लोगों की इतनी हिम्मत या छड़ी आपके सहारे के वास्ते है, आपकी बहू पर उठाने के वास्ते को नहीं। आज के बाद या छड़ी नहीं उठेगी। थारी या मजान, जी घर में औरत औरत के सागे रंजिश राखी, पी घर को अंत तो बर्बादी होवे है माजी। ओहो अरे खानो ठंडो हो रहे है, जिन्हें भी खानो या जीमनो होवे वो अठे बैठ कर जीम सके है। पधारो सासू जी। आग लगे इसे खाने ने। क्यों नंदई जी? नंदई सा क्यों रे चुटको? बाप पर गए हट। माता जी भोजन के ठोकर मार कर ठीक नहीं करियो, लागे है आज तो भूखो ही सोनो पड़ेगो। माँ मेरो के होवेगो? अरे तेरो आज उपवास व्रत बहुत खालियो। नी जाने मारा भाग में केड़ी बिननी लिखी है। बिननी? अरे माता जी एक जमानो जद बिननिया सास के इशारे पर नाचती है, सास की आवाज सुनकर के थरतर 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 कांपती है। बिननी ने निकाल देनो के बाल देनो तो सास के बाएं हाथ को खेल हो। पण माता जी आज के दिन बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हुई, यह लागियो कि बहु सास के एक जूती मार दी। हाँ माँ, जूती मारने में के कसर छोड़ी। माता जी जरा सोचो, अगर छोटी बीनड़ी कोई घर में राज हो गयो तो के होएगो? हाँ क्यों डोकरी? बेटी समान बहू पर बहुत अत्याचार, बहुत जुलम करयो। जत बहू सास पर जुलम करन लग जावे जत के होवेगो? रणा आ रहा है। अरे जल्दी साफ करो। ओए बड़ी ने क्या देख रही है? चलो जरा जल्दी जल्दी साफ करो। खाकर बहुत मुस्टंडी माच रही है, नहीं तो रात में सूखी रोटी भी खाने नहीं दूंगी। हाँ चुप, मैं जल्दी 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 साफ करो। चवाई राजा, सासरे में तो घर जवाई कुत्ता समान हुए है। और कुत्ता की क्या इज्जत हुए है? चलो जरा कुत्ता जान भोग कर दिखाओ। नहीं ठोको बार ठोकनो तो भूल गयो, बार तो रोनो आ रही हो है। रोनो आ रही है तो जरा रोक कर दिखाओ। नहीं अरे दिखाओ के नहीं। आज ताई घर में बहुत आग लगाई, अब जरा आग की जलन को दर्द भी महसूस कर लियो नंदोई जी।
लागे क्यों बैठिया हो? जी हाँ मैं रोयो और नहीं रोनो चाहू। माता जी थे आख्या बंद करके क्यों बैठिया हो? जो मैं देखियो और नहीं देखना चाहू। चिंतामणि तू कहीं कान बंद करके बैठी है, जो मैं सुनियो और नहीं सुनो तो हंसो देखना चाहू। हंसो, अरे हंसो ना। ये सब के है? आज कणकोर को त्योहार है माँ जी। बिना मेरी आज्ञा के घर में एरा गेरा नथो खेरा के भीड़ भरी कर ली। यह दुर्गा देवी की हवेली है, कोई धर्मशाला कोनी। गलती होगी माँ जी, परम पूज्य मारा प्यारा प्यारा सासू जी सु आज्ञा मांग रही हूँ कि आज कणकोर को त्योहार है और मैं सब लोग हंसी खुशी और शांति से मनाना चाहवा। कितनी सर चढ़ गई, न सासू की इज्जत न हवेली को मान, गलिया को कूड़ो कचरा ठे भेड़ो करके हंसी खुशी मना रही है। खबरदार, ऐसा अगली मारी मेहमान है जो आपको जरा भी अपमान होयो तो सुन लियो नड़न भाई सा, जब थे कांच देखोगा तो कांच थाने चिड़ावेगो, मतलब मैं थारो मुखड़ो इतना सुंदर बना दूंगी। हाँ ठहर जा, सूरज ने बुलाऊं हूँ। हाँ मेरो बेटो धक्का मार के तने ही घर सुकाड़ेगो, जब मेरे कालजे ने ठंडक पहुँचेगी। पधारो सासू जी। उले उले। संतरी महामंत्री आपने बीड़ी माचिस तो होगी भाई। पिछला दो महीने से पगार को नहीं मिली, रिश्वत ले लेके काम काट रही हूँ। आपका दर्शन होया जना लाग गयो के कुछ तो प्राप्ति होगी। बारे तो बहुत गड़बड़ लागे देख रहे हो, तू भी गयो भी तो निकलियो। कमाल है, सरकार कने दो दो बार चुनाव कराने का पिसा तो है पर कर्मचारियों की पगार चुकाने खातिर कोनी। अरे मारी गीगली, अरे क्या मैं बढ़ गई? अरे बारे हार्ट मच्छर की औलाद, पीटी उषा की तरिया दौड़ते दौड़ते कटे जा रहे है। हवलदार और वो भी मारी सकल को है, मुहूर्त तो अच्छो हो रही हो है। काम बने गो साहब, मेरी गेगली ने जाने कटे भाग गई है। मैं बिने ढूंढने जा रही हूँ, इन वास्ते पद यात्रा नहीं प्रेम यात्रा है। पद यात्रा हुए है, शव यात्रा हुए है, रथ यात्रा भी चल रही है या प्रेम यात्रा पहली बार सुन रही हूँ? खैर ये बता कि किस आगे भागी? यही बात को बेरो तो रोने क्यों? अब पन थने कोई पर सकते हो गो। हाँ साहब, मैंने तो इनमें अमिताभ बच्चन को हाथ लागे। अमिताभ बच्चन, तू ठीक कह रहे है, वो लंबू है ये सो, छोरियां बी के लारे पागल हो रही हैं, पर तू चिंता नहीं कर, मैं भी हवलदार धरती धकेल सिंह पाली वालो हूँ, अरे काली बी को बारण काट दूंगो। अच्छा ये बता, छोरी दिखने में किसी है? लाखा में एक है हवलदार साहब, टोंक का खरबूजा जिसी, सर्कस की खाए पी हतुणी जिसी। हाँ हथनी जिसी, अरे बारे बच्चर प्यार भी करियो तो हथनी से, तने तो प्रेम सिरी मिलनी चाहिए। के करू हवलदार साहब, जब दिल हथनी पर आयो तो हिरनी ने के चाटू। ठीक कह रहे हो तू, दिल आयो हथनी पे तो मच्छरनी काई है। हाँ तू ठीक कह रहे हो है, मारी लुगाई भी हथनी जैसी है, बहुत खावे है, सारी तनखा खाने में खर्च हो जावे है। ला तारी रिपोर्ट लिखूं। अच्छा के होयो? अरे मारी पाकिट मार दी, वो चोर है। और ठहर, और रुक रुक, बोनी चौकी हुई है, बोनी चौकी हुई है। अरे चोर पुलिस को पाकिट मारे हो? अरे पड़ गयो मैं, उखड़ गयो मैं, रुक जा और पाकिट मार, रुक जा। अरे मारा धनबाद, जो आज जल्दी घर आया वो भी हीरो बनकर। आज मैं तारी पसंद को शीरो बनाई हूँ, मारा हीरो। लागे आज बन गयो हीरो को जीरो, या तो कोई पागल हथनी लागे है।
की बात है मारा राजा, आज तक कुत्ते की जान हाफ क्यों रहा हो? हाफू भी और कापू भी, हा? मैं हाफ तू फुल, हा? मारो डब्बो हो गया हो गुल। क्यों बहकी बहकी बात करो, लो सीरो खाओ। खा रही हूँ खा रही हूँ। खाने से पहला तो थे रोज लेता हमारी पप्पी, आज बिना लिए गपा गप खा रिया हो। चलो गाले ठीने करो, रोज थे लेता आज मैं लेऊंगी थागी पप्पी। मत ले पप्पी, मारी धर्म पत्नी मत ले, मत ले टीके गंदे गाल को चुमू मत ले, नहीं तो तेरो धर्म और धर्म पति भ्रष्ट हो जाए वो। अरे अठे भी आ गयो, हाँ अठे भी मारो घर है, तारो घर है तो मारो भी सर है, बचाओ छीन है पकड़ सके तो पकड़ ले। थे? तो वो कौन? भाग्यो मैं तने नहीं छोड़ूंगो भगेड़ो, बारे मारो पाकिट मारियो, अठे न जाने के मारियो, सच बोल और के करियो। कुछ नहीं पप्पी ले रही थी। पप्पी जुम्मा दे दे जुम्मा, अरे खुद के मरद के जीवता पराया मरद की पप्पी लेता, तारा होंठ क्यों नहीं बढ़ गया, तू आसमान में क्यों नहीं उड़ गई, धरती धकेल धरती में क्यों नहीं धस गयो, धरती सकत है आसमान दूर है, धरती धकेल मजबूर है। अरे सकल मत देख, अकल सो काम ले, नहीं तो असल नकल, नकल असल हो जावे वो। और ये धरती धकेल सिंगरी सात पीढ़ी ने दूर दूर तक धक्को लाग जावे गो पगली, समझ गई कि नहीं? समझ गई, गलती हो गई नाथ। गलती तो भी कमीने की है। अच्छा बाबा, हाँ। जो होयो सो होयो, चलो सेहत सुनी पड़ी है। सेहत सुनी पड़ी है, रात को काम दिन में, कम वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, वर्दी पहन कर कोई गलत काम नहीं करूँ, मन ने भिन्ने पकड़नो है। अरे दरवाजे से नहीं खिड़की से जाऊंगा, जठे वो बठे मैं। अरे नाथ यार तने छोड़ूंगा नहीं, भाग गया। चल। अरे मालिक सिर्फ 200 रुपया? केनो के चावे है, कितने मजदूरी पूरी को नहीं मिले? मालिक क्या करूं, तब रहे समय रोटी गलता काट जो फाटे। तेरी या हिम्मत, रोटियां नहीं मिले तने? हाँ रोटियां नहीं मिले। नंदोई जी यो फार्म हाउस है या कसाई खानो? बीननी तने बेरो कोनी, आ लोगा ने जित्तो दो कम ही लागे हैं। मने सब बेरो है, आप 400 रुपया लो हो, 200 रुपया मजदूरा ने दो हो, और 200 रुपया थारी जेब में घालो हो। बीननी मैं आज ही माजी ने सब कुछ बता दूंगी, और आज सुही सब लोग खेती बाड़ी को काम मैं देखूंगी। क्या बात है, ठीक है। कालिया हुकम ले आ चिट्ठी। लव लेटर है? नहीं यह खतरे की झंडी है, चार डाकखाने में घेर दे। हुकम। और डाकखाने से डाकियो पाछी चिट्ठी ले रठी आवेगो, फेर होवेगो धर्मदास के पास को कमाल। आओ चिंतामणि, मुन्ना बेटा माजी का आखिरी बार चरण छू लो। बात की है, कठे जा रहे थे लोग, 4 दिन पहले आयोड़ी अपनी बहू अने चोर समझे, बेईमान समझे। माता जी एक बात तो मेरी समझ में आ गई, कुत्तो बन जानो पर घर जावा ही कदे ही नहीं बनो, क्योंकि कुत्तो तो वफादार हुए है। अरे अरे आज जी आपको ये स्वामी भक्त कुत्तो आज आपसे सदा के लिए विदा हो रही हो है। नहीं नहीं अहिया मत बोलो कवर जी, मैं तो आपने कुछ नहीं कहो, ई घर में आपके सिवा कुल मेरे शुभ चिंतक है, थाने मेरी सौगंध जगह तो। नहीं नहीं माता जी नहीं, माता जी सौगंध देकर प्रेम और ममता की मेरे पग में बेड़ियां डाल दी आप तो, ई धर्मदास ने कैद कर दियो। लियो आगी महारानी। क्यों महारानी, आजकल तू खेता में जाकर मजदूरा सागे हिसाब किताब भी करन लागी, यो देखने के वास्ते कि आपके घर का प्रधानमंत्री के करे है, हरे जब बाड़ी खेत ने खावेगी तो भी खेत को के होवेगो। यो सब पूछन वाली तू कौन? ओ
ओहो माजी, अब मैं थाने कितनी बार समझाऊं कि मैं ई घर की बहू हूँ। नी जाने अठे सुकद मरेगी। मरेगी के जीवेगी बात तो पछे की बात है, पर आपकी या बहू चटे ताए अठे सु नहीं जावेगी जब तक भी को काम पूरा नहीं होवेगा। क्यों? लो माजी चिट्ठी, डाकियो देर गयो। कुन की चिट्ठी है? चिट्ठी तो छोटी बहू की है। पढ़ो के लिखियो है। माजी पराई चिट्ठी पढ़नो तो पाप है। खैर आपके कहने से यो पाप भी मैं मारे माथे ले लूंगा। सुनो भोमली जी, काम के लिए तू गई है बिने समझदारी सु पूरो करनो है। के बात है, आगे पढ़ो। कहीं पढ़ू माजी, मारी तो जबान ने लकवो मार गयो है, और अगर मैं पढ़ भी दियो तो आपको हार्ट फेल हो जावेगो। दुर्गा देवी को दिल पत्थर से भी कड़क है। हाँ। इत तो जल्दी नहीं फेल होवेगो। थे आगे पढ़ो। एक एक करके सगला ने रास्ते सु हटा दीजिए। जहर मिले तो जहर सु मार दीजिए, पापे नहीं तो गलो दबा के मार दीजिए। यदि सगला मर जावेगा तो सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। तो आप डाकन मने मारने के वास्ते ही घर में आई है? मन्ने तो घर में पग राखता ही का लखन चोखा को नहीं लागया। पण कवर जी, या चिट्ठी लिखी कौन है? माजी लिखण वाला को तो नाम को नहीं, पण आपा को सूरज धोखो खा गयो, गलत छोरी के सागे ब्याह कर लियो। अब के होवे गो कवर जी? होवे गो के माजी, कदी भी आपा का प्राणा का पंछी ने आज छोटी बहू उड़ा देवेगी। नहीं नहीं माजी, सुनियो नहीं, कितनी जोर से बोल करके गई थी कि अठे से जब तक नहीं जावेगी जठे तई भी को काम पूरो नहीं हो जावेगो। माँ मन ने तो बहुत डर लाग रही है। धर्म राज के होता डरने की कोई बात नहीं माजी। हाँ कवर जी, मने तो था कोई आसरे है। अरे माजी मैं मेरी जान की बाजी लगा दूंगो, आपको बाल भी को नहीं होवेगो। आसू मने आपको अंग रक्षक समझो, रक्षा कवच समझो। हेलो सूरज। कौन? होमली। मैं बोल रही हूँ। क्या बात है? खाकी याद आवे। हाँ हाँ कद आ रिया हो तू? के वे तो अब आ जाऊं तब। आ जाओ। अब यो हाथ नहीं छोड़ूंगो। तू के समझे है इन्हें कब्जे में डाल देवेगी तो इन पर तेरो कब्जो हो जाएगो। पुलिस को हाथ बहुत लंबो होवे, मैं थोड़ा हाथ नहीं छोड़ूंगो। मारी साथ मारे पति ने बता रही है। तेरे से और ये गदा से मैं डर जाऊंगो। क्या कर रही है? निका गोई है। अरे पाड़ी तने शर्म कोई नहीं आई? मरे गाय जैसे पति पर डोरा डालता। ए जवान के लगाम दे, मैं मिनखा के पटवा पर हाथ डालू हूँ, लुगाया के धनी पर कोनी। समझी हतनी? के बोलनी लागे आज इस धरती पर खून की नदियां बह जावेगी, भूकंप आ जावेगो। मर जाए। अरे इस रूप ने खा हे पुत्रा। अरे रुक जाओ, ये तने काफी के दैया मार दूंगी। आपसी झगड़ों सु पूरो देश बीका निरी पापड़ की जिया टूट रहे है। हथड़ी कटेगी ना काड़ो पाड़ी। कश्मीर करा रहे है और आसाम आंसू बह रहे है, योले पंजाब पीड़ा सू छटपटा रही है, दिल्ली दुखी है। अरे रुक जाओ भारत की नारी, और रुक जाओ। नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। छनाल मारे पति ने मार के चली गई। हे नाथ सब तैयारी है? हाँ पूरी तैयारी है। चुप जा। हाँ
बैठे एकांत में के कर रहा हो कवर जी? के बताऊं माँ जी, जब से छोटी बहू को पगी घर में पड़ियो है, सरक जिसो घर नरक जिसो लागन लागियो है। मायने दम गुटे है, इलिए खुला में सांस लेन खातर अठे आ गयो। माँ जी, दम तो आपको भी घुटतो वेगो, आप भी अठे सुख की दो चार सांस ले लो। टेम के हो गयो कवर जी? टेम तो माँ जी पूरो हो गयो। माजी, राम राम माजी, यो गमलो जो आपके माथा पर पड़ जातो, तो आपकी खोपड़ी तो पाका खरबूजा की जान फाट के बिखर जाती। क्यों है माँ? अरे होनो क्यों, यो देख। अरे बाप रे, बाल बाल बच गया। किस्मत आला है माजी, मन्ने लागे है कि बिरनी आपने रस्ते से हटाने को श्री गणेश कर दियो है। माजी, मैं जानबूझकर कोनी गिराया हो, अजाड़े में जे मारे से गलती होगी होवे तो मैंने माफ कर दो माजी। मैं टावर कोनी, मैं जानू हूँ तो अठे क्यों आई है। मैं सगड़ा मर जावांगा जब तेरे कालजे ने ठंडक पहुँचेगी। नहीं नहीं माजी, इसे अशुभ बात मत ना बोलो। मैं तो आपकी बेटी समान हूँ, भला मैं इसे अशुभ बात कहीं सोच सकूँ? डाकण, मैं थारो मुंडो कोनी देखना चाहूँ माजी। हाँ हाँ, थे सगड़ा अठे तमाशो देखने आया हो? नहीं। हाँ? मैं जियो हूँ, मरी कोनी, जाओ तोरा मुंडा करो अठे सु, जाओ चलो। माजी 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 माजी, शांति राखो माजी। हाँ? आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जावे को। बिनणी, वो घमलो तू गिरायो? मैं इसो अच्छो काम करूंगी, आप भैया क्या सोच लियो भाभी जी? तो फिर यही बात तो मेरी समझ में कोनी आ रही है कि घमलो कहिया पड़ियो कठे इन्हें नंदो जी को हाथ तो कोनी। अगर यह बात साची है भाभी जी, तो ई अधर्मी धर्मदास को धर्म भ्रष्ट नहीं कर दियो तो मेरो ना नंदोई जी। कान खोलकर सुन लो, चाहे ये आपको सासरो है पैया, यो मेरो भी सासरो है। फर्क सिर्फ इतरो है कि मैं ई घर की बहू हूँ और आप घर जवाई। आप ई घर ने तबाह करने आया हो, और मैं बचाने के लिए। बिछुंदरी हमेशा यो ही सपनों देखे हैं कि बड़ी होकर बा मगरमच्छ बनेगी, और बिलाड़ो या सोचे है कि बिके छींक सु छींको टूट पड़ेगो। सांप और नोलिया की लड़ाई में जीत तो नोलिया की होया करे, इलिए फुपकारा मारना छोड़ दे। पर अब बस सांप के सामने नोलियो की खाल में ऊंदरो है, नोलियो नहीं। तो ठीक है, अब तू देख जे धर्मदास की अकल के पासा को कमाल। किसो भी पासो फेंक कर देख लियो नंदोई जी, उल्टो ही पड़ेगो। पर एक बात याद रख जो, जी दिन भोमली ठान लेवेगी, बी दिन कीड़ी की जान मसल कर रख देवेगी। वो तो बखत ही बतावेगो बिननी, कीड़ी हाथी ने मारेगी या हाथी कीड़ी ने मारेगो। लो भाई प्रसाद ले लो। प्रसाद सु पेट थोड़ा ही भरे है, मने तो खानो खानो है। नहीं मारा लाल, प्रसाद ले लो, सगला पाप धुल जावेगा। पाप तो करण नहीं आया। हाँ अच्छा, तो पीछे देर का है कि महारानी।
नणदोई जी, अरे इको शरीर तो आग की जान तप रही है, मैं अभारी डॉक्टर ने बुला कर लिया हूँ। नहीं काकी, डॉक्टर ने मत बुला, मैं मर जाऊंगी ना तो दादी खुश हो जाएगी। नहीं, नहीं मेरी लाडो, नहीं आइया मत ना बोल, मरे तेरा दुश्मन। भाभी जी, हाँ? मैं अभारी डॉक्टर ने बुला कर लिया हूँ, मैं अभारी लिया हूँ। कवर जी, आ कठे जा रही है? जावेगी कठे माजी, काल आप पर गमलो गिरा दियो, हो सके आज जहर को इंतजाम करने के लिए भाग दौड़ कर रही हो। जहर? हाँ माजी, आपने मारने के लिए कोई न कोई नया उपाय तो करेगी। डॉक्टर साहब, मुनि ठीक तो हो जाएगी ना? इज नॉर्मल, मैं दवाई लिख दूं, मंगवा लीजो। अच्छा, कवर जी थाने पीसा चाय? जी। कितना चाय? बस एक 5,000। लियो, आपका हाथ है सुनीता। नहीं माजी। माजी, मने 200 रुपया चाय, मुन्नी बीमार है, दवाई ले आनी है। तो मर थोड़ी जावेगी, जा निमड़े की पत्ती बांट कर पिला दे। माजी, आप पीसा दे रहा हो ना? हरगिज नहीं। आप पीसा दे रहा हो ना माजी? कह तो दियो कि नहीं। और इतो ही लाड उमड़े हैं तो बाप के घर से मनी ऑर्डर मंगवा ले। बाप की पोती है, मेरे बाप की कोनी, समझिया? राम राम राम, सासुरो इतरो घोर अपमान, इतनी बड़ी बेइज्जती। लो माजी, 200 रुपया लिया है। देख लियो माजी, ये जाहिल गवार के खानदान की औकात। Mind your language, Mr. Dharamdas, before speaking. Understand? मेरे खानदान में लोमड़ी जैसा चालाक, माखी की जान ढीठ और कागले की जान बिस्टो खाने को चलन को नहीं। आज के बाद मेरे खानदान पर कीचड़ उछालने की कोशिश करी तो मैं थाके कुकर माँ को एक एक बखी उधेड़ कर राख दूंगी, समझ गया? सहन करने की भी हद होवे है माजी, इतना बड़ा घर के परम पूज्य घर जवाई ने एक ओछी छोरी थप्पड़ मार गई। ठीक है, रीति रिवाज सुबाई घर की बहू है, पर आप तो बिने बिननी कोनी मानी हाल तक। आज भी को हाथ उठ गयो है माजी, अब्बा बात बात पर थप्पड़ मारेगी। आज मने थप्पड़ मारी है, कल चिंतामणि के थप्पड़ हाँ। मारेगी, परसों आप पर भी हाथ उठ सके है माजी। उन्द्री के पागल हो जाने सु, गिद्ध भी को शिकार करनो नहीं छोड़ देवे है। बिल्कुल ठीक फरमायो माजी, के वह न के सांप के मुंह में, माखी के माथा में और बिचुंदरी की पूंछ में जेर होवे है। जेर? हाँ माजी, लोहो लोहा ने काटे है, अरे जेर जेर ने मारे। जल्दी करो माता जी, भी लफुंदरी ने मारने के लिए बिचारी गरीब बिचुंदरी को जीव लियो है, सोच के रियाओ। कवर जी, कुछ होवेगा तो नहीं? कुछ नहीं होएगा माता जी, ज्यादा से ज्यादा फांसी हो जाएगी। फांसी? नहीं नहीं थे, चिंता मत ना करो, फांसी को फंदों में मेरे गले में ले लूंगो। डाल दो डाल दो। हाँ। लो अभी चम्मच से घोट दो, घोट दो, घोटो। माता जी अब जरा चाक करके देख लो, बिचुंदरी में जेर भी है कि नहीं है। आज के जमाने में कोई को भरोसा नहीं है माँ जी, कठी अपनी सगली मेहनत पर पानी नहीं फिर जावे। अरे बाप रे! नहीं 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 नहीं, मेरो मतलब यो नहीं है, मेरो मतलब यो है कि गिलास में डालकर आपका ममता मई हाथासु बीने पिला दो, ताकि रात होने से पहले ही बी बड़ासु जान छूट जाए। बीननी ले, ये दूध पी ले, ले। माजी हाँ? आज नाग पांचम तो कोनी, फिर नागन ने इतना प्रेम सु दूध क्यों पिला रिया हो? बस बेटी बस, मने और शर्मिंदा मत कर, मने यो सदा याद रहेगो कि मैं तने बहुत दुख दिया,
बहुत दुख दिया। माँ जी, मैं कोई सपना तो कोनी देख रही हूँ? या फिर नंदोई जी को फेंकेड़ो दूसरा पासा समझो? नहीं बीनी, नहीं, मैं तने गलत समझी। अच्छी हूँ या बुरी हूँ तो तेरी सास ही। मुन्ने की सेवा में तो कुछ नहीं खायो, ये वास्ते में यो दूध ले आई। ले ले माँ जी, इतना प्रेम सु तो जहर भी दे दोगा, तू या भोमली हंसता हंसता पी जावेगी। तो ले ले, ले ले, पीले 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 बेटी पीले। माँ जी थे पीलियो? मैं नहीं नहीं, मैं तो थारे वास्ते ले आई। पीले बेटी पीले। माँ जी, छुंदरी ने बिछुंदरी बचा लियो। मतलब माजी को प्रेम नकली हो, दूध में बिछुंदरी पड़ी नहीं टाली गई है। वह सब लोग मिलकर मने मारनो चावे है। नंदोई जी, भोमली इतनी जल्दी नहीं मर सके हैं। अब भोमली पासा फेंकेगी, तैयार हो जाओ नंदोई जी। क्यों तंग करो, सोनो ना। के करे, सुबह मने काम पर जल्दी जानो है। बात है माता जी, डर क्यों रहे हो? इतना कांप क्यों रहे हो? कुंवर जी, जो मैं देखियो वो आप देखता तो बेहोश हो जाता। नहीं माता जी, नहीं, मैं हूं ना। रक्का पेट दे सुना लिखो, इस लोहे की डायन ने महात्मा गांधी सरीके को नहीं पहचाना, वो तेरे को क्या पहचानेगी मेरे भाई? फेंक दे अपनी राइफल, तुम सब अपने हथियार फेंक दो। गब्बर सिंह, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है, और बगावत के लिए तमाम इल्जाम वापस लिए जा सकते। तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती, और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते अगर तुम मनार के लिए वापस कर दो। माँ जी, अब मेरे सारी बात समझ में आ गई है। के? मीननी में एक नहीं, बहुत सारी आत्माओं को प्रवेश होगा। अब के करूंगा? चिंता मणि, चिंता मत ना कर। एक तंत्र मंत्र का ज्ञानी भोपा ने बुलाना पड़ेगा। हाँ उस्ताद। ये पीले शर्ट वाले की जेब में क्या है? लाल त्रिकोण मतलब निरोध, परिवार नियोजन को आसान तरीको। क्यों भाई, ठीक है? अंतर मंतर जंतर मस्त कैलेंडर, अंतर मंतर जंतर मंतर मस्त कैलेंडर। यो बहुत बड़ो तांत्रिक है। के? यो तांत्रिक? क्यों, तन्ने मारी विद्या पर शक है? तो जाओ, जाकर देखो थाकी बिंगड़ी ताजो खून पी रही है।
जाओ। जिनके चक्कर कुर्की चक्कर 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 मापरे छड़ी मैदान खड़ी। के बात है? अरे बात कमाल रही है। हाय हाय हाय, यह बात आज तक थाने किसी ने नहीं बताई। कौन सी बात? जो कि तू श्रीदेवी दिखे है, माधुरी दीक्षित दिखे है और न जाने के दिखे है बे महलों में और तू सड़क रहे ऊपर, मैं ये नहीं देख सकता। चल मारे सागे बम्बई, मैं तने हीरोइन बना दूंगो। और मैं तने जीरो बना दूंगी। समझ गये हो, आम मन्ने हीरो सू विलन बनने पड़ोगो। तू यहाँ नहीं मानी। अरे बच्चा, 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 अरे बच्चा, छोड़ जाओ ठीक सू। अरे बच्चा, यहाँ मारी जोरू है, जाओ। बच्चा, अरे वो देखो छोड़ने छेड़ दिया। अरे बच्चा, क्यों हो गया? वो बदमाश, भाग गया। ऐसे क्या साला? पकड़ लिया जान का लाला। वो दीवार पकड़ ले, पकड़ दीवार को। अरे वो बदमाश मैंने छेड़ियो। मैंने छेड़ियो? चलो चलो तरकारी ले लो, मल में आई बीकानेर सु। अरे क्या बात है माया। अरे अरे केला ले लो, पतीला ले लो, पर मैंने छोड़ दो। हाय हाय हलते कौन कोई कोई कौन नहीं आगो कौन 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 हीरो, आज फिर आगे शीरो खाने। हाँ ऐसा मजा चखाऊंगी तने, याद रखेगो। मत मार, मत मार, मत मारी, मत मार। मैं तेरो पति हूँ भाई, जवानी में मैं विधवा हो जाऊंगो, तू रणवी हो जाएगी। मैं रणवी हो जाऊंगो, तू रणवी हो जाएगी। तू मुझे अच्छा, तो तुम्हारा पति है। आओ बनाओ तारी की पत्ती। अरे तारी पत्ती ली, अब तेरी चप्पी करूंगी। अरे रुक जा भगवान, या देख मारी पहचान, या दिल कने दिल, दिल कने दिल, तू जो दिल दिखाऊं ना देख 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 आना चालो देख देख देख। अब तो पलंग पर सुला करी सेवा करूंगी। चलो चलो, पलंग के ऊपर सेवा बाकी है। चलो नमस्कार, एक विशेष सूचना, खाना बनाने के बाद गैस सिलेंडर के काक पिन को बंद कर दीजिए। सिलेंडर लीक होने पर, गैस की गंध आने पर बिजली के स्विच को ऑन ऑफ मत करिए। रसोई की खिड़कियां और रोशनदान को खोल दीजिए और निकटतम गैस वितरक को सूचित करिए। दुर्घटना का कारण बन सकती है। सूचना समाप्त हुई। माता जी, काल तक दल बदलू नेताओं का चेहरा देख देख कर मने लागतो कि ई टीवी पर खर्च कियोड़ा 10,000 रुपया पानी में डूब गया। पर नहीं, आज ही टीवी ने बहुत बड़ी समस्या को समाधान कर दियो। समस्या? हाँ। समाधान? मैं कुछ समझी को नहीं। मैं समझाऊ हूं माँ जी, सुनो। 50 कमरा की एक विशाल हवेली है। हवेली में एक रसोई घर है। रसोई घर में एक गैस को चूल्हो है। फिर एक लुगाई रसोई घर में जावे, रसोई घर की पहली खिड़की बंद करे, फिर दूसरी, फिर तीसरी और आखिरी, फिर अठीने बठीने देखे कि बिना कोई देख तो नहीं रियो है, फिर आस्ता से चूल्हे की गैस खोल देवे, फिर रसोई घर से बाहर आकर रसोई घर को दरवाजो बंद करके चली जावे। फिर एक छोरी आवे, रसोई घर को दरवाजो खोले, अंधेरो रसोई घर पूरे गैस से भरियो है, चारों तरफ गैस फैली है। फिर भी के टक करके बिजली को बटन ऑन करते हैं, एक जोरदार धमाका। बैठ जाओ माँ जी, धमाको होने वाला बाकी है। नहीं नहीं, इसे तो पूरी हवेली में आग लग जाएगी। नहीं माँ जी नहीं, आग सिर्फ रसोई घर में लगेगी।
और एक रसोई घर के जल जाने से पूरी हवेली बच जावे तो के हरजे। हाँ माँ, इनसु तो कोई ने शक भी नहीं होवेगो। हाँ। सांप भी मर जावेगो और लाठी भी बच जावेगी। नली खींच लो माजी, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहे। ये नली के खींचता ही बहू की सांसा बंद हो जावेगी। हाँ। खींचो। रुक जाओ काकी। हाँ? अरे के बात है, सुनो। हाँ? माजी बुलाओ बिने। बिन्नी, और जोर से। हाँ, अरे ओ बिन्नी। आई आई। की बात है सासू जी? बिन्नी, एक कप चाय तो बना कर लिया। मत बहुत भारी हो रही है। आज पूरब को सूरज पश्चिम से कहीं आओगे? आप मेरे हाथ की चाय पियोगा सासू जी? क्यों नहीं बिन्नी। मेरो धन्य भाग कि आप कुछ तो हुक्म करियो। अब बार ले आओ सासू जी, आपके वास्ते स्पेशल गर्मा गर्म मलाई मार के चाय ले आओ। आहा, ओहो, क्यों नणदोई जी, आप चाय को नहीं पियोगा? नहीं बिन्नी, मेरी तकदीर में तेरे हाथ की चाय लिखी को नहीं, जो लाभ लाग रही। गई। लो, हो गयो धमाको माजी। पिन छूट गया। तो पछे करो तैयारी क्रियाक्रम की। वो तो बाद में होतो रहेगो। हाँ। माजी पहला मुंडो मीठो कराओ। हाँ। मुंडो मीठो तो मैं कराऊं सासू जी। लो। तू मरे कोनी? हाल तो बहुत बड़ा बड़ा काम करना है, आपकी सेवा करनी है सासू जी। क्यों नणदोई जी? किसी नी जाने की को वरदान लेकर पैदा हुई। हाँ। है करम ठोक, न ढेर सुमरे है न आंख सुमरे है। हवलदार साहब। हाँ। आज शिवरात्रि है। हाँ है। यो प्रसाद पियो। हाँ। और सीधा थानेदार बन जाओ। प्रसाद पियो और सीधो थानेदार बन जाओ। हवलदार धरती धकेल सिंह ठीक तो कह रहे हो है, यो शिवजी रो प्रसाद है। यो प्रसाद पीकर भी अगर तू थानेदार नहीं बनी हो तो कद बने गो धतूरे। पी जा कटाकट धना धुन। लगे है तांबे के पीसे में घोट कर पिलाई है, मजो आ गयो। बारिश में भीग रही है। अरे छोरी तने सर्दी हो जावेगी, ले मारी छतरी के नीचे आ जा। तू नहीं आ रहे? मैं आ रहे हूं। मन ने अम्बल के वास्ते पीसा चाहे। वाह जेठ जी वाह, आज ताई सास एंड और नणदोई आज सबको जुलम तो है सहन करती आई, बस एक पति को ही जुलम बाकी रह गयो, वो भी आज पूरा हो गयो। के आने तो भी अधिकार कोनी कि आपको भलो बुरो सोच समझ सके। जेठ जी, जे आपने कुछ हो गयो तो या की के सहारे जीवेगी? कुंड के नाम को सिंदूर अपनी मांग में सजावेगी? बताओ की के नाम की चूड़िया पहरेगी? पत्नी पर हाथ उठानो मर्दानगी कोनी, अगर हाथ उठानो ही है तो भी जुल्म के सामने उठाओ जो ही हवेली में हो रियो है। सीता, मने माफ कर दे सीता, नसेरी आदत आदमी ने कितो लाचार बना देवे। आज छोटी बहुरी बाता मेरी आंखें खोल दी सीता, मेरी आंखें खोल दी। मने माफ कर दे सीता, मने माफ कर दे।
मजदूरा की पगार का पिसा तो कवर जी आपका नहीं राख्या करो। पगार का पिसा की के बात करो हो, मैं तो पूरी तिजोरी का पिसा साफ कर दिया है। कवर जी आप कुछ बोलिया? नहीं माँ जी, मेरी के मजा ले जो मैं कुछ बोल सकूं। कवर जी योके योके हो गया माँ जी, तिजोरी में झाड़ू की लाइन लगी है और जूता राम 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 सब जूता भर दिया है। आजी यो सब कहिया हो गयो, आप तो कुबेर और लक्ष्मी की पूजा करो हो। मारे मुंह पर यो थप्पड़ कौन मारियो? माजी माजी इसा लंबा हाथ तो छोटी बीनड़ी का है भाई, मार सके थप्पड़, बाकी मैं लोगा का हाथ तो आपकी सेवा के लिए है। बी की या हिम्मत? हिम्मत की के बात करो माजी, बात तो आई तिजोरी में झाड़ू मारने खातर ही है। मैं बी ने आबार ही पुलिस के हवाले करूंगी। पुलिस? माजी अनर्थ हो जावेगो, जो पुलिस छोटी बीनड़ी ने पकड़ करके ले गई तो खानदान की इज्जत को क्या होएगो, लोग के कहेगा? लोग जावे भाड़ में, बात चोरी की है और चोर ने सजा मिलनी चाहिए। बीने बीनड़ी कहकर मेरे खावा पर नमक मत छिड़को कवर जी। माँ जी ठीक है, जिसे आपकी मर्जी, मैं अबारी पुलिस ने खबर करके आऊ। नहीं ये चोरनी ने गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब, चलो। मैं समझी को नहीं, बातों थाने में ही समझ आवेगी। पर मेरो कसूर? घर का सगड़ा माल बत्ता पर हाथ साफ करके पूछ रही है मेरो कसूर क्या है? माजी घर की बहू पर झूठो इल्जाम लगाता शर्म को नहीं आवे? शर्म तो तने आनी चाहिए बीननी, अरे चोरी क्यों करी? पीसा की जरूरत थी तो माजी से मांग लेती। पर मैं चोरी को नहीं करी। आप चलो क्या को नहीं? नंदोई जी मैं चोरी को नहीं करी, चोरी कराई गई है। आज तक आपका सगड़ा पासा उल्टा पड़ता रहा है, यो पासो भी सीधो नहीं पड़ेगो। चलो इंस्पेक्टर साहब। हे भगवान पिन छूटियो, मैं एक फोन कर सकूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, अटावे उन हर इंसानी जान पहचान वाला कोई ना कोई बड़ा आदमी जरूर होवे, आप भी करना देख लो। आई एम इंस्पेक्टर सूरज। हेलो सूरज, मैं बोल रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। पुलिस स्टेशन से? हाँ। की बात है? मेरे पर चोरी चोरी को झूठा इल्जाम लगाया गया है। अच्छा अच्छा समझ गया, फोन दो। ठीक है दे हूँ। लो इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर सूरज बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर सूरज? हाँ इंस्पेक्टर। अच्छा यह हमारी पत्नी है, इन्हें छोड़ दो, बाकी की फॉर्मेलिटी मैं आकर पूरी कर दूंगा। अच्छा अच्छा ओके, सॉरी आप जा सको। थैंक यू इंस्पेक्टर। तिजोरी खाली हो गई तो के होयो माजी, ये मुसीबत सु तो जान छूट गई। अब बा जेल में सुख का छीना पीसेगी जब भी ने मालूम होवेगो कि मैं कौन हूँ। तू छूट गई? मैं थाने कहो ना नंदोई जी कि आपका पासा सीधा नहीं पढ़न दूंगी, जब सेब पासा सीधा पड़ता तो भारत में महाभारत को नहीं होती। और भी कोई पासा रह गया होए तो बेबी फेंक कर देख लियो, देखा एक खेल में कुंड की हार होवे है हर कुंड की जीत, क्यों नंदोई जी? कबर जी यो कहिया हो गयो? माँ जी अब तो मने विश्वास हो गयो, बाप की जागीर और जीव दोनों लेकर रहेगी। नहीं कवर जी, मछली मगरमच्छ ने कदई नहीं खा सके। नहीं माँ जी नहीं, दुश्मन ने कदई छोटो नहीं समझना, बाप कुछ भी कर सके। मैं बोलूं अब भी मान जा, आपा भाई यहाँ देख आपा की सूरत मिले है, झोंक नालायक, पुलिस और कानून ने चूनो लगावे, भूल सो मेरी बीवी तेरी पप्पी ली, अब पकड़ोगे हो तो भाई बोले है, जी आपा भाई नहीं है तो आपा की शकल क्या मिल रही है? हो सके है ईमा आपा के माँ बाप को हाथ होवे, माँ बाप को हाथ के मालूम मेरे बाप को तेरी माँ के सागे और मेरी माँ को तेरे बाप के सागे चक्कर रही होवे। अरे नहीं भाई, आपा को खून को रिश्तो है, भरोसो नहीं तो खून तपास करा ले। हाँ। जा खून को ना पानी को, तेरो मेरो रिश्तो चोर पुलिस को है। तो फिर सुन ले,
चोर चोरी से जावे, हेरा फेरी से नहीं जावे। के मतलब? मतलब यो के चोर को काम है भागनो और पुलिस को काम है पकड़नो। ए लिए तो पकड़ियो हूँ। के पकड़ियो है? कद्दू? नहीं पकड़ियो है, भाग रहे हो। पकड़ो, मारी जोरू खतरे में पड़ गई। नहीं, नौकरी, नौकरी खतरे में पड़ गई। नहीं जोरू, जोरू नौकरी, नहीं जोरू, जोरू। अब तुम्हें नशे की इस लत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो सब छोटी बिंदनी की मेहनत रो फल है, जिसको मैंने आज नई जिंदगी मिली है। क्या बात है माजी? क्या हो गयो? कोई मन्ने जानसू मारन ने आई। जानसू? बाबरे, जानसू माजी कोई कौन? ये घर में तो आपकी एक ही दुश्मन है, पर बाहे छोटी भी नहीं। माजी दौलत के खातर बा आपकी जान लेकर ही रहेगी। जान? जान? हाँ माजी, जान है तो जहान है। माजी इसी दौलत के काम की जो प्राण ले ले मैं। तुम्हें के करूं कावर जी? मैं के बताऊं माजी, एक रस्तो है, ई जागीर की वसीयत आप कोई और के नाव पर कर दो। और के नाव? हाँ माजी, जो आपको विश्वास पात्र होवे, ईमानदारी सु जागीर की संभाल कर सके, और जद टेम आवे तो जान पर खेल कर भी की रक्षा कर सके। आप से बढ़कर कौन हो सके कवर जी? नहीं माजी, नहीं, मैं नहीं। हा? या जागीर आप चिंतामणि के नाम पर कर दो। आखिरकार ये आपकी बेटी है। नहीं। आपको खून है। मैं रोके, मैं तो परायो हूँ। नहीं नहीं, ये जागीर के लिए मेरा प्राण खतरे में नहीं डालूंगी। सुन लियो माजी, के जमानो आ गयो है, बुरे टेम पे खुद को खून भी साथ को नहीं देवे है। जे थाने मासू इत्रो ही प्रेम है तो थे जान जोखम में डालो, समझिया? चिंता ठीक ही केवे है। नहीं। आप पे मैंने पूरा भरोसा है। अब आप तो मैं वसीयत आपके नाम ही करूंगी। माजी थाने म्हारी सौगत जे म्हारी बात टाली तो अब मैं काली वसीयत नामो थाके नाम कर देंगी। अब ठीक है माजी, तो आपकी जिंदगी के लिए और ये हवेली की मान मर्यादा के लिए हंसता हंसता मैं अपनी जिंदगी दाव पर लगाने तैयार हूँ। रुक जाओ साला जी, ई जागीर को मालिक अब मैं हूँ। माताजी वसीयत मेरे नाम कर दी है। फोकट की अफीम तो बहुत खाई, अब तो पसीनो बहाए बिना रोटी को एक टुकड़ो भी नहीं मिलेगा। बोलो अब अफीम के लिए के करोगा? पगा में तो मेरे बहुत पड़ता है, अब तो मेरी जूती की धूल झाड़नी पड़ेगी। अरे जाओ जाओ, मारा पिताजी आपका नौकर को नहीं। नौकर? अब ये घर का सगड़ा ही लोग मेरा नौकर है। ये घर में सांस भी लेनी तो मेरी मर्जी सुन, समझ गया? आस्तीनरा सांप। राम, तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू कवर जी पर हाथ उठायो? हिम्मत तो अब आई है माँ, बहन रे विधवा हो जाना को दुख नहीं हो तो आकी गर्दन काट दे तो। खबरदार जो बोलियो तो। बोलना तो अब आया है माँ, चुप रहने की बहुत कीमत चुकाई। अरे ऐसा दिन देखने सु तो आचो हो तो माँ के मने पैदा होते ही मार दियो हो तो। हाँ आज मने मालूम हुयो कि मैं एक कपूत पैदा कियो। या भी आपकी ममतारी कमी ही माँ, जो खुदरे खून ने पहचाने में देर लगी। राम, तुम्हारी ममता और मारी कोख ने गाड़ी दी है। सुभद्रा जिसी मारी कोख में अब भी मैंने जिसा बेटा चक्रव्यूह तोड़ना सीखा है, पर मैं आपरी गोद में आकर चक्रव्यूह में फंसा दियो गयो माँ। घर जवाई की बैसाखी को आसरो के मिल गयो, आपरा जाया भी बोझ लागन लग गया। तो तेरी कन्ने भी जबान है? जबान तो पहला भी ही माजी, पण बी पर मर्यादा को ताड़ो लाग रियो हो। करम ठोक माजी। बस माजी, बस आज आप पियो अधिकार खो बैठे हो। अधिकार तो थे खो दियो ये जागीर सु,
अब अठे उबा उबा के कर रहा। निकल जाओ अठे सो। अरे माजी जी दरख्त पर पत्ता और डालियां कोनी वे, बी ठूट पर तो पक्षी भी कोनी बैठे, कौन रहे गो ये घर में? जी घर में प्यार और अपने पनरी जगह नफरत और सौतेले पनरी गंद आवे है। एक बात सुन लियो माजी, एक औरत रो मन पत्थर रो हो सके है, पर एक मारे मन री ममता चट्टान नहीं हो सके। वहां सब लोग आके जाने के बाद थे खून का आसवास रोगा, पर थाका आंसू पोछन वालो कोई कोनी होवेगो, थे पुकारोगा और थाकी आवाज इन दीवारा सु टकरा टकरा कर पाछी आ जावेगी। थाको अकेलो पन थाने डसेगो, थाकी ममता थाने धिक्कारेगी, थारे मन की कठोरता आज सब लोगों की याद में थाने रुलावेगी माजी, थाने रुलावेगी। चलो हाँ हाँ जाओ जाओ, मने कोई की परवाह कोनी। सूरज सूरज मैं बोल रही हूँ। हाँ भूमली क्या बात है? सूरज माजी वसीयत नंदोई जी के नाम करती है। ये सब लोग घर छोड़ चुके हैं और महामंदिर आ गया। तू चिंता मत कर, मैं बाहर पहुंच रही हूँ। ठीक है ते जल्दी आ जाओ। की बात है, आज ते बहुत हंस रिया हो। हाँ चिंता रानी, आज मैं दुनिया को सबसे बड़ो भाग्यवान आदमी हूँ। जी के माथे पर कुबेर और लक्ष्मी खुद के हाथा से तिलक लगाया है। मैं समझी कोनी। एक एक करके मेरे रास्ते का सगड़ा कांटा साफ हो गया। अभी पूरी जागीर को मैं इकलो तो मालिक हूँ। और मैं तू तू कौन चिंता रानी? अरे तेरे से तो मैं ब्याह या जागीर हासिल करने खातर करियो, वरना तेरे जिसे तो 5660 घूमती फिरे है। थे इतना गिर जाओगा मैं सोच भी कोनी सकूं। भूल गया पे दिन रसने सु पहलिया तो सांप ने भी फंड झुकानो पड़े है। चिंता रानी ई जगह पहुंचने के खातर में अपने आप ने कुत्तो बना लियो। बरसा तक गिदड़ को जीवन जीने के बाद बड़ी मुश्किल से अब शेर को ओदो मिलियो है, समझी? ई दौलत ने पाने के खातर मने के नहीं करनो पड़ियो, पर छोटी बिने रस्ते से हटाने के खातर तेरे पूज्य माता जी के हाथ से बिनणी के क्रियाक्रम को सामान तैयार करवानो पड़ियो, ताकि जेल भी जाओ तो थे लोग और फांसी भी लागे तो था लोगा ने। ठीक है मैं अबारी जाकर माँ ने वसीयत नामो बदलवाने कही हूँ। चिंता रानी एक बार कमान सु निकलोड़ो तीर पाछो कदी नहीं आवे। चिंतामणि जी अगर डोकरी वसीयत नामो बदलने की कोशिश करी तो ई हातासु भी को गड़ो दबावता मने जरा भी दया नहीं आवेगी। तू के मेरो गड़ो दबावे को धोखेबाज, मारे बहु बेटा के खिलाफ आग लगाकर ई घर ने तू बर्बाद कर दियो। हाँ। मारी सोना जैसी बीन और हीरा जैसा बेटा ने मेरी नजर सु गिरा दिया, मारे विश्वास को खून करियो ते विश्वासघाती। जावे कटे है डोकरी। छोड़ दे मने। छोड़ दो छोड़ 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 दो छोड़ 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 ले ले छोड़ दे छोड़ दे माफी दादी ले माँ। अगले चालू इन्हें हनुमान भाकरी बटे से नीचे धक्को देकर आज को काम तमाम कर देना है। छोड़ दे मने। नंदोई जी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। इनके लिए आपने होशियार रहना चाहिए जी। भाभी सा भाभी सा माने बचा लो। के बात है नंदन भाई सा? ताका नंदोई सा माने उठाकर ले गया, बाकी जान खतरे में है। मने मालूम है कि एक ना एक दिन नंदोई जी आपको असली रूप जरूर दिखावेगा। थे चिंता मत करो भाई सा, भोमली जान पर खेलकर भी माँ जी की जान ने बचावेगी। चाहे धर्मदास यमराज बन सके है तो भोमली ने भी रणचंडी बनता देर को नहीं लगेगी।
चल उतर। छोड़ दे मैंने। जल्दी ले चलो, चलो भोमली रुक जा, मैं भी आ रही हूं। से आज मैं तने नीचे फेंकूंगा। नरदोई जी, तू चोखो हो गयो, तू भी हठियागी। अब डोकरी के सागे सागे तेरो काम भी सलता दूंगा। काधड़े की मौत आवे तो शेर कानी भागे है। तेरे पापा को घड़ो भर गयो है धर्मदास, अब तेरे बचने को कोई रस्तो को नहीं। बेवकूफ छोरी, कुएं में हाथ पग चलाने ने समंदर में तैरने की कोशिश नहीं करनी चाहे। मैं तैरने को नहीं, तने डुबोने आई हूँ धर्मदास। टोकरी या मने डुबाउन ने तने बचाउन ने आई थी। रुक जाओ, नहीं तो भोमली को टैटू कटता देर नहीं लगेगी। ले चलो तो Yeah.
पीनरनी जी मेरे से गलत और माझी चावेगा पर थोड़ो तो ख्याल करो आखिरकार मैं घर को परम पूज्य घर जवाई हूँ ठाकू नंदो ही हूँ के लिए तो था के पूजा करी है नंदोई जी कि आदमी घर जवाई बढ़ने से पहले 100 बार सोचे ते बिल्कुल ठीक कह रिया हो 100 बार तो सोचनो ही चाहे नहीं मैं भी यही सोचू हूँ डरपो कठे का साला जी आखिरकार मैं थारो जीजो हूँ बंदूकड़ी कठी चालगी तो थारी बहन ने रंडा पो काटनो पड़ेगो नहीं 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 मेरो ख्याल मत करो पर खुद की बहन को ख्याल तो करो हाँ जीजा जी 4-6 महीने अंदर रहोगा तो दिमाग ठिकाने आ जावेगो साला जी ते बिल्कुल ठीक वक्त पर आ गया हो ले चलो जय सपना लेकर मैं घर में आई ही वो आज पूरो हो गयो आज ही घर में स्वर्ग जैसी सुगंध महकन लागी है एक बहू की 2 माया होया करे है एक जन्म देन हाली और दूजी बाप माँ जिकी आंचल की छैया के आसरे मांग में सिंदूर सजा के सासरे में प्रवेश करे है पण माँ जी आपरी ममता तो मने मिली कोनी पर मारे कारण आपने जो भी तकलीफ हुई होगी ही के लिए मैं आपसे माफी चाहूं हूं मैं जा रही हूं मां जी भाभी बेटी